नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। बात करते हैं संजय दत्त की। अभिनेता संजय दत्त सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने उनके मानसा स्थित गांव मूसा पहुंच सकते हैं। इस गांव में हलचल बढ़ गई है। उधर उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने रविवार को गाँव मूसा पहुंचकर सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके परिवार को ढांढस बताया। इस मौके पर हंस ने कहा कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आया, मैं यहाँ एक कलाकार और एक पिता के रूप में आया हूँ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पंजाब सहित देश विदेश में रहने वाले उनके प्रशंसकों को सदमा पहुंचा है। कई बार बॉलीवुड कलाकारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इनमें एक नाम संजय दत्त का भी है, जिन पर सिद्धू मूसेवाला ने गीत संजू गाया था। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला खुद संजय दत्त के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने उन पर एक गीत भी गाया था, हालांकि ये गाना विवादों में रहा। सिद्धू ने अपने गाने संजू में संजय दत्त के 1993 में हुई गिरफ्तारी की भी कटिंग वीडियो में चलाई थी। इस गाने के बोल थे, गबरू ते केस जड़ा संजय दत्त थे, जिसका हिंदी में मतलब हुआ कि उन पर वही केस लगा है जो संजय दत्त पर लगाया गया था। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के चलते 5 साल की सजा हुई थी। सिद्धू का ये गाना आने के बाद इसका जमकर विरोध हुआ था। इस गाने के बाद पुलिस ने जुलाई 2020 में हथियारों के बड़ा चढ़कर दिखाने और FIR पर शेकी बगाड़ने के लिए गायक के खिलाफ आर्म्स एक्ट और IPC की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले 30 मई को संजय दत्त ने ट्वीट करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर दुख जताया था। उन्होंने लिखा था कि वह सिद्धू मूसेवाला के बारे में सदमे में है। एक महान प्रतिभा दुनिया से इतनी जल्दी रुखसत हो गई। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। बता दें कि 29 मई को मानसा के गांव जवारके में गैंगस्टरों ने महिंद्रा थार में जा रहे सिद्धू मूसेवाले को घेर कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। गोलियों से छलनी मूसेवाले को मानसा सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हमले में समय मूसेवाला के दो दोस्त भी गाड़ी में थे, वे घायल हैं और उनका लुधियाना में इलाज चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला का उनके गाँव मूसा में 31 मई को अंतिम संस्कार किया गया था। उनका भोग 8 जून को होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।